आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस मार्केट में बेस्ट शेयर टू बाय नाउ, जो सबसे अच्छे शेयर ताकि आप यहां पर ले सको। सिर्फ बताऊंगा ही नहीं और सिखाऊंगा भी कि कैसे आप खुद यहां पर बेस्ट शेयर हर कंडीशन में यहां पर खुद से यहां पर ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा शेयर किस कंडीशन में यहां पर बेस्ट है। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और ये वीडियो आपकी लाइफ यहां पर चेंज कर देगा अगर आप इस वीडियो को यहां पर पूरा देखते हैं तो जानिए मेरे साथ कौन सा है वो बेस्ट शेयर इस मार्केट के लिए। तो नमस्कार, मैं अंकित, आप है मार्केट मैस्टो में। आपने यहां पर देखा होगा बेस्ट शेयर, आप जाकर गूगल में देखे होंगे और आपको मिला होगा यस बैंक जैसा शेयर और बहुत ही सारे शेयर, या कोई 10 20 50 रुपए का शेयर, या ऐसे शेयर जो ऊपर से 50% तक करेक्ट हो चुके हैं और आप इन्हें बेस्ट शेयर समझते होंगे कि ये वापस यहाँ पर रिकवर होंगे और उससे आपका पैसा यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई बेस्ट शेयर है? तो मैं कहूंगा नहीं। बेस्ट शेयर कैसा हो और कौन सा हो वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर आप जनरली देखोगे तो लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि 2 रुपए वाला शेयर, 5 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए वाला शेयर, 50 रुपए वाला शेयर ही बेस्ट शेयर होता है, क्योंकि वो आगे जाकर यहाँ पर 1000 2000 का यहाँ पर हो जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा जो ट्रेडेड कंपनी है जहां पर लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेड करते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो बहुत दुख होता है देख के। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, जेपी एसोसिएट, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे शेयर में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लोज आ रहा है लेकिन शेयर के दाम यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे शेयर जो है वो 5-10 रुपए से कम के यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि काफी टेंस सिचुएशन है। दुख होता है काफी जब आप ऐसा थिंकिंग रखते हो कि ये बेस्ट शेयर है, लेकिन क्या करें, मैं काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, कुछ चाहके भी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, एक सारथी जैसे कि यहाँ पर बताता है तो मैं आपको वैसे ही कर सकता हूँ, पूरी तरह से मैं भी यहाँ पर निशस्त्र हूँ। देखिये, एक चीज, एक छोटा सा मैसेज जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा थिंकिंग रखते हो, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा और आप खुद क्लियर हो जाओगे कि कौन से शेयर बेस्ट शेयर होते हैं, वो भी आगे बताऊंगा, कौन से शेयर है बेस्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा सवाल का आंसर दोगे आप मुझे नीचे कमेंट में सबके सब। छोटा सा सवाल ये है कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर, बेसिक मैथ्स बताइएगा, 10 रुपए का शेयर 5 होने के कितने चांसेस है और 20 होने के कितने चांसेस है? तो आप बोलोगे कि 10 रुपए का शेयर क्या 5 हो सकता है पहले या 20 हो सकता है पहले? तो बोलोगे यार 10 से पहले जो है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 हमें पास दिखाई देता है, 20 तो काफी दूर की बात हो गई, है बेसिकली वही, लेकिन ऐसा फीलिंग है कि 10 का पहले 5 हो जाएगा। चलो अब 5 हो गया, अब 5 का 10 पहले हो जाएगा कि 5 का 2.5 होने के चांसेस है? तो आप बोलोगे यार 5 से पास अगर देखोगे तो 2.5 दिख रहा है, 10 तो काफी दूर दिख रहा है, तो 2.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यही आप मुझे कमेंट करके बताना कि 10 का 20 पहले होगा कि 10 का 5 पहले होगा, सिंपल सा आंसर देना मुझको। बेसिक सा मैथ्स है यहाँ पर, कोई IQ की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये छोटे शेयर्स जो है इनके गिरने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू बड़े शेयर। अगर आप बोलोगे सेम चीज मैं अप्लाई कर दूं बड़े शेयर, अगर कोई 3000 का शेयर है तो वो 1500 होने के चांसेस है, लेकिन अगर आप देखोगे कि 3000 की वैल्यू 1500 आने में टाइम लगेगी, लेकिन 5 रुपए की वैल्यू 2.5 रुपए होने में टाइम नहीं लगेगी। और यही तो मैथ्स है और यही तो इन्वेस्टिंग है और यही तो आपको यहाँ पर सीख के जाना है। आप इंतजार करते हो कि 5 का 50 हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि 5 का 2.5 कब हो जाएगा और 2.5 का 1 कब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि बेस्ट शेयर आपको पिक कैसे करना है। अभी तक मैंने बताया कि कहां पे आप गलती कर रहे हो, अब मैं आपको बताऊंगा कि पिक कैसे करना है। बहुत आसान है मेरे लिए बेस्ट शेयर आपको बताना, बहुत ही आसान है, लेकिन वो काम क्या अगर आप उसे सिर्फ एक बार जान लो और खुद से यहां पर करना पाओ। तो आज मैं सोच के आया हूं कि आज आपको मछली खाने को नहीं देने वाला हूं, आज मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा, ताकि आप लाइफ टाइम जो वो मछली है उसे आप एक बार पकड़ना सीख जाओ तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद मेरी भी यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई एक आम इन्वेस्टर मेरे पास आता है और वो बोलता है कि बेस्ट शेयर मेरे को बता दो या बेस्ट शेयर मेरे को लिख के दे दो, मैं रिच बन जाऊंगा, मैं नहीं बताता, मैं उसे टाइम भी नहीं देता ज्यादा, बताता हूं लेकिन टाइम यहां पर ज्यादा नहीं देता। लेकिन अगर कोई ये सवाल पूछ के आता है कि बेस्ट शेयर कैसे ढूंढते हो आप,
तो फिर मैं उसे तीन तीन चार चार घंटा टाइम देता हूँ, एक पैसा भी यहाँ पर नहीं लेता, उसे सिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो सीखना चाहता है। और जो सीखना चाहता है उसे हम देख के ही समझ जाते हैं कि ये काफी बड़ा खिलाड़ी है और ये काफी बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर बनने वाला है। आप कॉपी करके यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या वो तरीका है जिससे कि आप बेस्ट शेयर्स यहाँ पर पिक कर सकते हो? पांच पैरामीटर में मैं आपको बता दूंगा कि मैं खुद बेस्ट शेयर कैसे पिक करता हूं और आप खुद बेस्ट शेयर कैसे पिक करोगे अलग अलग सिचुएशन में। बेस्ट शेयर पिक करने के पांच पैरामीटर यहां पर है, अंकित पैरामीटर्स मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहला पैरामीटर मेरे लिए सबसे पहली चीज है कि कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में जहां पे मैं निवेश करूं वहां पे कर्जा कम से कम हो, लो डेट या फिर जीरो डेट वाली कंपनी हो, वो काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमें चाहिए कि मैं जिस बिजनेस में निवेश करूं, जहां पर मैं इन्वेस्ट करूं, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी कम पैसा जाए। जैसे आप देखोगे कि टेक्नोलॉजीज के जो शेयर होते हैं वो आरएनडी में बहुत ही ज्यादा पैसा यहां पर लगा देते हैं जिसके कारण से पैट कम होता है, तो शेयर प्राइस भी आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देता है, तो हम वो नहीं चाहते। बहुत ही बेसिक सा आपको यहां पर एग्जांपल दूं इसका, तो चाइना। देखिए, चाइना जो है वो बिल्कुल पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करता है आरएनडी में, और अब वो काफी अचानक से एक सुपर पावर बन के हमारे सामने आ गया। कैसे? क्योंकि वो यहाँ पर देखा कि अमेरिका एक ऑलरेडी एक सुपर पावर है, वो सारे के सारे इनोवेशंस कर रहा है, उसके पास काफी ज्यादा पैसा है, तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ देखता रहा। जैसे ही यहाँ पर कुछ वहां से निकल कर आता है उसके जैसा सेम देख के यहाँ पर बना देता है और उससे सस्ते में यहाँ पर बेच देता है, जिसके कारण वो सुपर पावर यहाँ पर बन गया। तो वो क्या टेक्निक यूज कर रहा है? वो टेक्निक यूज कर रहा है कि वो खर्चा पैसा नहीं कर रहा है दिमाग लगाने में, वो कॉपी करने में ज्यादा यहाँ पर फोकस कर रहा है। तो हमें भी ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आप जहां पर निवेश कर रहे हो वो ज्यादा पैसा ना खर्चा कर रहे हो कि आज उसको ये बनाना है, कल उसको वो बनाना है, परसों उसको ये बनाना है, परसों क्या बनाएगा उसको खुद भी नहीं पता, लेकिन पैसा यहाँ पर दे दिया है, उससे पैसे वेस्ट होते हैं। तो हमें ऐसा बिजनेस चाहिए। काफी सिंपल एग्जाम्पल है शैम्पू, खाना, FMCG जो प्रोडक्ट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, ये सारे प्रोडक्ट जो है इसमें यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर रिसर्च नहीं लगती। उन्हें आज भी वही नारियल तेल बनाना है, आज से 20 साल बाद भी वही बनाना है, उन्हें वही शैम्पू बेचना है, 20 साल बाद भी वही शैम्पू बेचना है, तो ज्यादा यहाँ पर नहीं है। तीसरा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एनालिसिस कैसे करते हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चौथा, कैश फ्लो। देखिए, कोई भी बिजनेस में कैश किंग होता है, बिजनेस के पास ज्यादा से ज्यादा कैश होना चाहिए, जितना ज्यादा कैश होगा उतना अच्छा उसका काम होगा। ऐसा नहीं कि कमा तो रहा है लेकिन उसके पास कैश कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ऐसे बिजनेस हमें अवॉइड करने हैं। हमें ये देखना है कि बिजनेस के पास कैश लगातार बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। पांचवा, कस्टमर। सबसे जरूरी, मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है कस्टमर। कोई भी बिजनेस में कस्टमर चाहिए। अगर आपके बिजनेस में कस्टमर नहीं है तो आप क्या करोगे? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यस बैंक, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंकित ने प्रेडिक्ट कर लिया कि यस बैंक 30 रुपए आएगा और वो आ भी गया, अभी सेटल हो गया है, लेकिन वो कैसे हुआ? तो इसका एक सिंपल सा फंडा था यस बैंक में। आप देखोगे कि कस्टमर कम हो गए थे, बैंक में ज्यादा खाते खुल रहे नहीं थे, तो वो तो फॉल होना ही था। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने कोशिश की कि यस बैंक को बचा लिया जाए, लेकिन वो यहां पर बचा नहीं पाए। आप होप में थे कि बचा लेंगे, लेकिन ऐसा चीज यहां पर हुआ नहीं। फाइनली वो अभी सेटल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर नहीं थे। आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, आप अगर बिजनेस खोलते हो, आप अगर एक रेस्टोरेंट खोलते हो, तो आपको क्या चाहिए कि आपके जो रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है वो लोग आके खाए? क्या चाहिए आपको? कस्टमर चाहिए। अब आते हैं बेस्ट शेयर कौन से है और कैसे हम गए। तो आप सबको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है, अभी यहां पर चल रहा है कोविड कोरोना, और इसको हमने मार्केट मास्टरों ने कैसे टैकल किया, मैंने कैसे टैकल किया। तो मैं आपको बताता हूं, बेसिक सी बात है, जबरदस्त बात है, दो मिनट दो और दो मिनट में आप समझ जाओगे कि कैसे हमने इन पैरामीटर्स का फायदा उठा के करेक्टली सिचुएशन को जज किया। तो देखिए, 25 फरवरी 2020 को मेरी वीडियो आई थी, 25 फरवरी, आप यूट्यूब में जाके यहां पर चेक कर सकते हैं, अभी भी वो है, पब्लिकली अवेलेबल है, 9 लाख लोगों ने देखा है। अब कितने लोगों ने अप्लाई किया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बराबर 9 लाख लोगों ने देखा है। अब देखिए वहां पर हमने क्या किया, 25 फरवरी 2020 को मैंने बताया बेस्ट शेयर्स, वहां पर मैंने क्या बेस्ट शेयर बताया, मैंने बताया नेस्ले, HUL,
मारिको और गोदरेज सारे के सारे एफएमसीजी यहां पर शेयर थे, डेली नीड वाले शेयर थे। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं, 25 फरवरी 2020 को कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था, कोरोना के बारे में यहां पर ज्यादा था नहीं, हमारा लॉकडाउन तो 23 मार्च यानी कि एक महीने बाद हुआ। मैंने ऐसे बिजनेस पहले ही क्रैश के पहले ही यहां पर अलर्ट वाइज किया था कि इन पे आप अपनी एसआईपी चालू कर दो। क्यों? क्योंकि अदर्स कंट्रीज जो थे, बाकी कंट्री से ऐसा खबर आ रहा था कि शायद ऐसा दिखे या लॉकडाउन वाली सिचुएशन बने, तो मैंने सोचा कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए जो लोग तब भी लेंगे और जिसे बंद नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहां पर डेली नीड्स फाइंड आउट किया था और 25 फरवरी क्रैश के एक महीने पहले ही आपको यहां पर बता दिया था कि ये मेरे यहां पर शेयर है। और उसके बाद मैंने फिर से अप्रैल में भी आपको बताया था कि यही चार शेयर बेस्ट शेयर है जिनमें कस्टमर्स लगातार बनेंगे। अब मेरे पांच पैरामीटर्स इन सारे पे फैक्टर आउट करो, जीरो डेट है, लो डेट है, जीरो डेट है ऑलमोस्ट यहां पर, दूसरा किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च नहीं लगता है, कस्टमर्स इनके कस्टमर लगातार है, कस्टमर कम नहीं हो रहे, अभी भी कस्टमर है, हाँ पहले के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे कि बाकी का तो जीरो हो गया ना, उस हिसाब से अभी भी बैलेंस में है, कैश फ्लो बरकरार है, आरओए मेंटेन्ड है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है और इसीलिए तो हमने इसको यहां पर पिक किया था। ये थे मेरे बेस्ट शेयर्स इस सिचुएशन के लिए। अब आपको भी ऐसे ही शेयर सर्च करने हैं जैसे मैंने यहां पर सर्च किया है। आज मेरे पास आपके लिए एक छोटा छोटा सा यहां पर टास्क है जिससे सबकी यहां पर मदद हो जाएगी, एक तो आप सीख ही जाओगे, दूसरा आप यहां पर दूसरों की भी हेल्प कर दोगे। तो आप सबके लिए मेरे पास एक छोटा सा टास्क है जिसे आपको आज यहां पर कंप्लीट करना है। आप सब यहां से जाएंगे और मेरे इन पैरामीटर्स पे कंपनी सर्च करेंगे अलग अलग, जो भी आपको लगता है आप सर्च करके तीन बेस्ट कंपनी अपने हिसाब से खोजेंगे और रिसर्च करने के बाद अपनी बेस्ट तीन कंपनी नीचे कमेंट करके यहां पर बताएंगे और आप भी यहां पर ग्रो होगे, आप भी सिचुएशन टैकल करना यहां पर सीख जाओगे और आप भी ऐसे ही बेस्ट कंपनीज यहां पर सर्च कर लोगे। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की गूगल या मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसा करते हो। तो आज का टास्क आपके लिए, तो कमेंट करें यहां पर आपके तीन बेस्ट शेयर कौन से हैं, सबकी हेल्प भी करना है और टास्क कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी कमेंट करना है। लेकिन एक चीज कि यहां पर किसी के भी कमेंट से आप यहां पर इन्वेस्ट ना करें या मेरे राय से भी आप इन्वेस्ट ना करें, आप यहां पर उसके बारे में खुद रिसर्च कर ले और देख ले कि कैसे कंपनी ऑपरेट होती है, क्या बिजनेस मॉडल है। तो इसीलिए ध्यान से काम करिएगा, लेकिन कमेंट करिए अपने तीन बेस्ट शेयर। यहां पर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करिए बाकी लोग के साथ ताकि वो बेस्ट शेयर जानना नहीं बेस्ट शेयर खोजना सीखे। तो शेयर का काम मैं आपके ऊपर यहां पर छोड़ देता हूं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इन्वेस्टिंग करना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर शेयर मार्केट की अपडेट मैं देते रहता हूं और कुछ कुछ कभी कभी शेयर्स भी यहां पर बताते रहता हूं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म है, जल्दी पैसा बनाने के लिए ज्वाइन करने की कोशिश ना करें और ज्वाइन करने से पहले निकलने का यहां पर जान लें कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि वो आपके अकाउंट से यहां पर होता है। नए इन्वेस्टर अगर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक शेयर मार्केट में ही नहीं आए हैं तो शेयर खरीदने के लिए आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट, खुलाना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप यहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड, बैंक, फिनेंस, शेयर मार्केट, इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहता हूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे जल्दी ही।